नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दयाल बाग में जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कहाँ आएंगे और कैसे आएंगे। तो आपको जानकारी यहाँ पर पूरी मिलने वाली है। आपके क्वेश्चन इतने आ रहे हैं अभी दोस्तों, आपके फॉर्म जो है अभी वो भी पूरे मतलब उसकी डेट भी चल रही है, अभी फॉर्म भी नहीं भरे गए और आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, तो उसकी मैं कुछ जानकारी आपको थोड़ी सी यहाँ पर इस वीडियो में दे दूंगा। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आपके एडमिट कार्ड कहाँ आएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कब से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम तो मैंने आपको बता दिया है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और चलते हैं सीधे लेके आपको उधर ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों इधर आपको आपकी वेबसाइट दिख रही है दयाल बाग की, तो इस वेबसाइट में इधर आओगे तो आपको एडमिशन सेशन 2022-23 पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन होके मिल जाता है। इधर आपको एक बटन दिख रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस बटन पर क्लिक कर दे तो हमारे लिए एक वेबसाइट जो यहाँ पर ओपन होके हमको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से भी हम जो चले जाएंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रही है ये है आपकी दयाल बाग के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइट। यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको दिखाऊंगा कि अगर अभी लोग आप लोग जो है इस पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो अभी क्या दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दयाल बाग के जो एडमिट कार्ड है एडमिशन के आपके 2022 के, तो ये एडमिट कार्ड आपके जुलाई में फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर अभी आप लोग सर्च करोगे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पर आपको बताएगा कि एडमिट कार्ड नॉट येट जनरेटेड, मतलब अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, और आपका नाम भी यहाँ पर दिखा देगा कि आपका ये नाम है और इनका जो अभी तक एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना ही ये बताएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बताने का उद्देश्य यही था कि एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो, पढ़ाई की तैयारी करो। आपका 31 जून तक आपके फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म खत्म होने के बाद कम से कम एक दो हफ्ते के बाद आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई में आपके पेपर हो जाएंगे। और यही इसकी जानकारी थी। यहाँ पर अभी चेक भी करोगे तो आपको इधर यही बोल देगा कि एडमिट कार्ड नॉट येट जनरेटेड, ठीक है, आपका नाम भी दिखा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही था एडमिट कार्ड की वीडियो में कि आपका क्या क्या है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना चाहते हो एडमिट कार्ड के रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड तो मेरे को बताइए, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर वंदे मातरम, और आपसे कुमारी प्यार भरी दिल से राम राम।